नमस्कार, मैं हूँ एकता। प्राइम न्यूज 24 में स्वागत है आपका। खबर मुजफ्फरनगर से है। जनपद मुजफ्फरनगर में पुलिस मंगलवार की देर रात पुलिस और नकली शराब के एक सौदागरों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें एक शराब तस्कर घायल हो गया, जिसे पुलिस ने इलाज के लिए हॉस्पिटल भिजवाया है। गिरफ्तार किए गए बदमाश के कब्जे से पुलिस ने एक तमंचा और एक गाड़ी से 17 पेटी अवैध देशी शराब बरामद की है, जो रेक्टिफाइड केमिकल के द्वारा तैयार कर मुजफ्फरनगर, मेरठ और शामली सहित आसपास के जनपदों में सप्लाई की जाती थी। दरअसल मामला जनपद मुजफ्फरनगर के थाना मसूरपुर क्षेत्र के जोहरा अंडरपास का है, जहां थाना मंसूरपुर पुलिस रात्रि पुलिस चेकिंग कर रही थी, तभी पुलिस को एक कार आती दिखाई दी। जब पुलिस ने कार को रोकने का प्रयास किया तो कार सवार युवक ने पुलिस पर फायर कर दिया, जिस पर पुलिस ने भी जवाबी कार्यवाही करते हुए फायरिंग की, जिसमें कार सवार बदमाश घायल हो गया। पुलिस के अनुसार घायल बदमाश मनोज उर्फ मास्टर, जो कि जनपद मेरठ के सरधना का रहने वाला है, और उस बदमाश पर गैंगस्टर सहित मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत और मेरठ के कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। बदमाश के पास से एक गाड़ी जिसमें 17 पेटी देशी शराब थी, साथ साथ एक तमंचा और जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। यह बदमाश रेक्टिफाइड शराब बनाकर उन्हें देसी शराब की बोतल में पैक कर मुजफ्फरनगर, शामली और मेरठ में सप्लाई करता था। पकड़े गए बदमाश के खिलाफ विभिन्न थानों में दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं। पहले भी कई बार जेल जा चुका है। घटना की जानकारी देते हुए सीओ खतौली ने जानकारी दिया और बताया कि रात्रि में बेगराजपुर पुलिस चौकी इंचार्ज चेकिंग कर रही थी, तभी सामने से आ रही कार को रोकने का इशारा किया, जिसमें कार सवार ने फायरिंग कर दी। बाद में पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश घायल हुआ। पकड़े गए बदमाश पर मेरठ सहित विभिन्न थानों में दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं, जो नकली शराब तैयार कर मुजफ्फरनगर, मेरठ और श्यामली सहित आसपास के विभिन्न जनपदों में सप्लाई की जाती थी। बदमाश पर इनाम और बाकी जानकारी के लिए पूछताछ की जा रही है। प्राइम न्यूज 24 मुजफ्फरनगर। बेगराजपुर चौकी में चेकिंग चल रही थी, जो मंसूरपुर थाना क्षेत्र का है, तो इसमें चौकी प्रभारी चेकिंग कर रहे थे, तो गाड़ी को रोकने का इशारा किया, गाड़ी तेज भागी, पीछे उसका पीछा किया गया, इन्होंने फायरिंग की, जवाबी कार्रवाई की गई, तो उसके पैर में एक गोली लगी है। पूछताछ की गई, उसने अपना नाम मनोज बताया, जो सरधना मेरठ का रहने वाला है। इसकी गाड़ी की सही से देखा गया तो इसमें लगभग 17 पेटी शराब है, जो देशी है, और इससे गहनता से पूछताछ की गई तो ये गैंगस्टर में भी कई बार जेल जा चुका है और साथ साथ सरधना से भी जेल गया। ये रेक्टिफाइड शराब का काम करता है, जो शराब को, मिलावटी शराब को कई अन्य जगह पर बेचता है। ये शामली में, मुजफ्फरनगर में, मेरठ में और अन्य कई डिस्ट्रिक्ट्स में इनका गैंग एक्टिव है। इसकी अन्य जानकारी की जा रही है कि इसके साथ साथ कौन है। इसके पास से एक कार की बरामदगी है, 17 पेटी देशी शराब है, इसके पास से एक CMP बरामद हुआ है और लाइव कार्टेज और कुछ खोखा कारतूस बरामद हुए हैं। इसके पास कोई, ये भी पता किया जा रहा है कि मेरठ से इसके ऊपर कोई इनाम अथवा अन्य कोई और चीज़ तो नहीं है। सर, मुकदमे कितने? लगभग इसके ऊपर एक दर्जन के करीब मुकदमे हैं, जो अभी हमें पता चले हैं, लेकिन ये केवल मेरठ से जानकारी मिली है। अन्य जनपदों से जानकारी की जा रही है कि इसके ऊपर लगभग कितने मुकदमे हैं।